हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ एकदम ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ अपना जो बुलेट है, बुलेट का जो माइलेज को आप कैसे इंक्रीज करें, इंजन को भी ठीक ठाक रखें और एयर और फ्यूल या फ्यूल जिस जो कम्बशन होता है उसका रेशियो को भी ठीक ठाक कैसे रख सकते हैं अपने बुलेट में। तो आज इसी के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहला मुद्दा है माइलेज को ठीक करना। माइलेज मेरा थोड़ा बहुत इधर उधर फ्लक्चुएट कर रहा है, तो मैं इसका सेटिंग कार्बोरेटर में बता दूंगा कैसे क्या करना है दोस्तों। तो चलिए वीडियो को आगे देखते हैं। मेरा नाम है देवमीत और आप देख रहे हैं मोटोटेक ब्लॉग्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना। तो दोस्तों, ये है मेरा थंडरबर्ड और ये मैं करीबन 1.5-2 किलोमीटर चला लिया हूँ। एकदम गर्म हो चुका है बाइक और मैं इसको लेके आ गया हूँ और ये ट्राईपॉड खड़ा कर दिया हूँ। और यहाँ पे कार्बोरेटर है, उस कार्बोरेटर को ही हम लोगों को सेटिंग करना है। तो ये 350 सीसी का गाड़ी है और 1.5 साल में करीबन 17,739.4 किलोमीटर चलाया हूँ। गाड़ी को अब ऑन कर लेंगे और यहाँ पे जो आप कार्बोरेटर देख रहे हैं, ये आपका जो स्क्रू है, ये फ्यूल मिक्सचर का स्क्रू है, इसको ही हम लोगों को सेटिंग करना है। और चलिए गाड़ी को स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये हम लोग गाड़ी को स्टार्ट कर लिए हैं। अब हम लोगों को स्क्रू को सेटिंग करना है फ्यूल वाला। तो सबसे पहले तो ये है कि पिकअप को हम लोग थोड़ा बढ़ा देंगे, जिससे कि हम लोग जब एकदम स्क्रू को कस लेंगे तब गाड़ी बंद ना हो, क्योंकि फ्यूल तब कम आएगा कार्बोरेटर में। और थोड़ा सा मैं कैमरा थोड़ा सेटिंग कर लूँ, जिससे आपको उसका जो स्क्रू है अच्छे से दिखाई दे, तो आप इसका सेटिंग आराम से कर पाएंगे। तो यहाँ पे आपको स्क्रू एकदम अच्छे से दिखाई देगा, मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये वाला स्क्रू आपको एकदम टाइट कर लेना है, कस लेना है। एकदम जीरो में आएगा। और गाड़ी का देखिए, यहाँ पे आवाज़ थोड़ा कम हो रहा है, तो थोड़ा सा पिकअप हम लोग और बढ़ा देंगे। स्क्रू का काम है सिर्फ पिकअप को बढ़ाना। तो यहाँ पे आपको 3 से 3.5 चूड़ी इसको बढ़ाना है, स्क्रू को बढ़ाना है। तो इसको आप जीरो पकड़ेंगे तो इसको हाफ, उसके बाद ये हाफ हो गया, उसके बाद फिर और एक राउंड घुमाएंगे तो ये और एक हाफ होगा, मतलब एक हो जाएगा कंप्लीट। देखिए यहाँ पे साउंड थोड़ा बढ़ रहा है गाड़ी का धीरे धीरे। फिर और एक हाफ बढ़ाएंगे तो 1.5 हो गया, फिर और एक हाफ बढ़ाएंगे तो 2 हो जाएगा, फिर और एक हाफ बढ़ाएंगे तो 2.5 हो जाएगा, 2.5। अब यहाँ पे गाड़ी का इंक्रीज हो रहा है, ये 3 चूड़ी खोल चुके हैं हम लोग और लास्ट एक हाफ चूड़ी खोलना है। ये 3.5 चूड़ी खोलना है और यहाँ पे हम लोगों को पिकअप को कम कर लेना है, जो कि इसका नॉर्मल जो पिकअप होना चाहिए, आवाज़ सुन के आप समझ सकते हैं, और 1100 RPM से ऊपर नहीं होना चाहिए। तो इस हिसाब से आप कीजिए। तो यहाँ पर करीबन 1100 RPM तक ही है और इस सेटिंग से आपको माइलेज बहुत अच्छा मिल जाता है दोस्तों। और जब पहाड़ी में आप जाएंगे गाड़ी लेके, तब 5.5-6 चूड़ी खोल लीजिएगा इसी स्क्रू को। लेकिन अभी आप जब अंदर मतलब समतल एरिया में चला रहे हैं तो यही आपका होना चाहिए, 1100 RPM तक ही होना चाहिए और ये 3.5 चूड़ी तक ही खुलना चाहिए, जिससे कि आपका जो कम्बशन है पेट्रोल का ठीक से रहे। और ये देखिए, ये वाला स्क्रू है, ये वाला स्क्रू, इसको ही आपको कम ज़्यादा करना है कार्बोरेटर के नीचे। और ये वाला जो नट है सामने, वो पिकअप का नट है, स्क्रू है, जो भी आप बोलें। तो इस प्रकार से आपको कार्बोरेटर का सेटिंग ठीक करना है। और ये चोक है, इसको खींचने से सर्दी में स्टार्ट करने का काम आता है, अभी तो फिलहाल बंद हो गया है। तो इस प्रकार से आपको ये सब काम करना है और इसी सेटिंग से आपको गाड़ी का सेटिंग रखना है, जिससे माइलेज ज़्यादा से ज़्यादा
आपको मिलता रहे दोस्तों। तो धन्यवाद दोस्तों, ऐसे ही वीडियो पाने के लिए काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर भी कर दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।